यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में ये घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है एक पक्षी और एक इंसान की, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यह पक्षी खेत में घायल अवस्था में पड़ा रहता है, तो उस दौरान एक इंसान द्वारा उसको ला के घर पे और उसको इलाज करके फिर उसको ठीक कर दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में ये घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो। जानवरों और पक्षियों का दोस्ती इंसानों से आप लोग बहुत देखी होंगी, वैसे ही एक दोस्ती आप लोगों के बीच दिखाने वाला हूँ। यूपी के रहने वाला, जिसका नाम है आरिफ भाई, और ये आरिफ भाई आरिफ सारस के नाम से पूरे देश में छा गया है। कुछ ही दिनों से, लगभग एक महीना से, ये वीडियो आरिफ भाई का और आरिफ भाई का जो सारस है उसका वीडियो एक महीना से पूरे सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे ये वीडियो छा गया है। मैं बता देना चाहूँगा, आरिफ भाई का जो घर है यूपी के अमेठी इलाके में आता है, और उस गांव का नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का रहने वाला आरिफ भाई कहीं जाता है घर से दूर घूमने के लिए खेत में, तो एक पक्षी दिखाई देता है, और वो पक्षी कोई और नहीं जबकि सारस रहता है। तो वो घायल अवस्था में पड़ा होता है किसी खेत में, तो आरिफ भाई ने उसी दौरान उसको लाते हैं घर पे और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद से वो चलने फिरने लगता है, खाने पीने लगता है, और ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीता तो ऐसा घनाघोर दोस्ती हुआ, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल रील्स के द्वारा देखे होंगे, बड़े पर्दों पर देखे होंगे कि जानवर का, पक्षी का दोस्ती इंसान से हो जाता है। सेम वैसे ही इनका दोस्ती सारस से हो गया, और वो सारस जो पक्षी है इनको अपना सब कुछ मानने लगा। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और न्यूज़ वाले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ दिखाया जा रहा है, जो कि जानवरों से इंसान का जो दोस्ती हो जाता है उस दोस्ती को उस पक्षी ने बरकरार रखा है, सबके सामने वो दिखा रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच भी इस बात को शेयर कर दूं, और जो कि मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कहीं भी जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो ये जो पक्षी है सारस उनका पीछा छोड़ता नहीं है, जबकि गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी के साथ साथ जाता है, और खाना खाते हैं तो साथ में खाना भी खाता है। तो हर एक कार्य जो आरिफ भाई करते हैं उनके साथ में ये सारस पक्षी करता है। तो दोस्तों, ये सारस का घनिष्ठा वाला दोस्ती जो कि आरिफ भाई से हो गया, आरिफ भाई उसको खेत से लाए थे और खेत से लाकर उसको ट्रीटमेंट किए थे, जबकि खेत में वो गिरा पड़ा था, किसी ने उसको मार दिया था, वो घायल अवस्था में था। तो उस दौरान आरिफ भाई ने उसको ला के घर पे इलाज किया और वो अच्छा हो गया, और वो खुशी से इंसानों जैसा बिहेव करने लगा, इंसानों जैसा व्यवहार रखने लगा, और आरिफ भाई को एक पल भी देखे बिना वो सारस पक्षी रह नहीं पाता है। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में ये घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी, मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है,
तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग एक से डेढ़ महीने में इसका पैर सही होने लगा। डेढ़ महीने बाद अपने पैर पर एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, यानी ऑल में दबा दीजिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।